दोस्तों, इसराइल की स्थापना 14 मई 1947 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदी को ब्रिटेन से आजादी मिली थी और नए सौराष्ट्र की स्थापना हुई और इसे इसराइल नाम दिया गया। ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश की सबसे खास बात ये भी है कि पूरी दुनिया में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को इसराइल की नागरिकता मिल जाती है और वो जब चाहे तब इसराइल में रह सकता है। इसराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। लोगों को इस भाषा को बोलते शर्म आती है। ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, परंतु इस भाषा का अंत मध्यकाल में हो गया था। इस भाषा को सीखने वाला भी अब कोई नहीं बचा। और जब इसराइल की स्थापना हुई दोस्तों, तो इस देश के यहूदियों ने इस भाषा को पुनर्जीवित कर दिया था और उसको वहां की आधिकारिक भाषा भी बना दिया। 2000 के आंकड़ों के अनुसार यहां की जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। देखा जाए तो ये दिल्ली और मुंबई से बहुत कम है, क्षेत्रफल में केरल से भी छोटा है। इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, फिर वो राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो। उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है, वो पुरुष हो या स्त्री दोनों को जरूरी है। 15 साल से बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये ज्वाइन करनी पड़ती है। नियम के अनुसार लड़के को 3 और लड़की को 2 साल काम करना पड़ता है। इसराइल लोकतांत्रिक देश है, फिर भी वहाँ भारत और ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है। वो परंपरा और देशवासियों के हिसाब से नियम और कानून बनाते रहते हैं। इसराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनाना पड़ता है। ये दुनिया के 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु और सैटेलाइट सिस्टम है। इसराइल की वायुसेना दुनिया के 4 नंबर पर आती है और बहुत ही शक्तिशाली है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि अगर यहाँ पर कोई भी मिसाइल भेजता है तो वो मिसाइल यहाँ पहुँचने से पहले ही नष्ट हो जाती है। विज्ञान के मामले में भी ये सबसे आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इसराइल में ही बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेटीएम जीपैड यही बनाया गया था। वॉइस मेल भी यही विकसित की गई। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे। उनको इसराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। फेसबुक के संस्थापक भी यहूदी है। आजादी के समय ना यहाँ खेती की जाती थी और ना ही पानी का स्रोत था। फिर टेक्नोलॉजी के चलते चलते आज के समय में 99 खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी को पीने और दूसरे काम में प्रयोग भी करता है। यहाँ पर 40 बुक स्टोर है क्योंकि यहाँ सरकार किताबें पुख्ता करवाती है। यहाँ पर 137 बीच है। यहाँ का समुद्र तल सिर्फ 273 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ की एजेंसी मुसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो 6-day war के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल की यात्रा नहीं की। इसके पीछे शायद उन सभी प्रधानमंत्रियों के नाराज हो जाने का डर था। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उनके इस दौरे ने भारत और इसराइल की दोस्ती को और गहरा मजबूत कर दिया। दोस्तों, 2014 से पहले जब हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी, जबकि 1948 से ही इसराइल का एक ही मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी देश ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिक को मारेंगे। और फिर उन्होंने ये करके भी बताया। तो दोस्तों, इसराइल से सिर्फ 1 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में आज हम कहाँ है और इसराइल कहाँ है, ये सब आपको पता है। तो आप सभी को भी इसराइली नागरिकों से यही सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान करना चाहिए। धन्यवाद।